दोस्तों, आज के दौर में और इतनी बड़ी कंपटीशन के फील्ड में हम किसी से मोटिवेट होकर तो अपना लक्ष्य का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि उसे लगातार मेहनत करके कैसे अचीव किया जाए, तो हम कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। और उस वक्त हमें सिर्फ असफलता ही असफलता मिलती है, तो कई बार तो खुद पे भी डाउट होने लगता है कि शायद हम लक्ष्य के चुनाव गलत कर लिए हैं, हमें अपना लक्ष्य बदलना चाहिए। पर डोंट वरी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपने नोटिस किया है आपका चेहरा कितना खूबसूरत है? यस, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। इसी तरह आपका लक्ष्य भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और वास्तव में खूबसूरत है जभी तो आप अपना लक्ष्य को हर एक जगह लगाते हैं, लाइक डीपी, स्टेटस एंड एसेट्रा। मैंने आपके चेहरे की बात की। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप आईना में अपना चेहरा देखते हैं तो कभी कभी साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला सा दिखाई देता है। तो आप क्या करते हैं? सिंपली उस दर्पण की सफाई करते हैं, राइट? तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन एंड ब्यूटीफुल दिखाई देने लगता है। लेकिन दर्पण साफ करने के बाद भी आपका चेहरा साफ साफ दिखाई ना दे तो? दोस्तों, कई बार डस्ट दर्पण पे नहीं, हमारी आंखों पे होता है। इसी प्रकार आपका लक्ष्य दिखाई ना दे, ऐसा लगे कि मैंने अपना लक्ष्य का चुनाव गलत कर लिया है, तो अपने लक्ष्य को दोष देने के बजाय खुद को बूस्ट करना चाहिए, ना कि लक्ष्य को लेकर बार बार अपने आप को कोसना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। और ये भी देखना चाहिए कि क्या मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं, मेरी तैयारी एक शेयर मार्केट की तरह है कि मैं 30 मार्क खान बन रहा हूँ और फिर मैं ये सोच रहा हूँ और ये पाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाए। दोस्तों, ये समय होता है खुद को देखना कि क्या मैं सच में तैयारी कर रहा हूँ उसको पाने के लिए, या मैं 30 मार्क खान बनकर बैठा हूँ। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि दर्पण की अपेक्षा अपनी आंखों को साफ कर लेना चाहिए, यानी उस लक्ष्य को दोष देने की बजाय खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर ध्यान देना चाहिए, राइट? दोस्तों, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि अपना गोल्स ना बदले, उस पे फोकस रखकर उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करें और अपने आप को बूस्ट करें, बेहतर बनाएं। सो थैंक यू दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।